नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपने प्राइवेट फोल्डर्स या प्राइवेट जो कोई डेटा होगा उसे सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं और बिना किसी सॉफ्टवेयर यूज़ किए। तो इसके लिए अभी मुझे ये वीडियो फाइल है जो कि अभी प्ले वॉच हो माई रहा है, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑन। तो ये फाइल को मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है जिससे कोई इसे डिलीट भी ना कर सके और ओपन भी ना कर सके। तो इस पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है, सिक्योरिटी पे और एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें एडिट और एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करना है, फिर एडी नेम पर सिलेक्ट करना है, अप्लाई, यस, देन ओके, देन अगेन ओके। उसके बाद जब यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो ये एरर मैसेज आएगा, और अगर कोई इसे डिलीट भी करना चाहेगा तो ये फाइल डिलीट नहीं होगी। सो आप ऐसे ही किसी फोल्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी में एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके एडिट करना है, फिर से एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करके सभी रूल्स डिनाई करना है, उसके बाद ओके करना है, और इसके बाद अगर ये फोल्डर आप ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो आप ऐसे किसी को भी सिक्योरिटी, किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। और फिर से अगर इसे ओपन करना होगा तो फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाके, सिक्योरिटी टैब में जाके, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाइए, उसके बाद एडिट पर क्लिक कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाके ये जो डिनाई किया है सभी रूल्स को उसे अलाउ कर दीजिए, अप्लाई, ओके ओके। अब ये फाइल वॉच प्ले माई हो रही बिगेस्ट है। ब्लॉकबस्टर्स ऑनलाइन। ओके, तो ऐसे आप किसी भी डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे अगर हाइड भी कर देंगे ऐसे तो फिर ये हाइड हो जाएगी। अगर आपको पता नहीं है हाइड कैसे करते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो मैंने फाइल फोल्डर कैसे हाइड करते हैं वो जाके चेक करिए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।